Assalamualaikum, I am your physics teacher. Previous lecture में हमने physics definition और branches की study की थी. अब हम different scientists के contribution के बारे में study करेंगे. Now it is your first topic, topic number 1.4, contribution of Muslim scientist. हमारे पहले scientists जिनको हम discuss करेंगे वो हैं अबू अली हसन इब्नुल हैसम. तो पहला पॉइंट है, ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट. इन्होंने क्या किया था, लाइट की नेचर को डिस्क्राइब किया था, मतलब उसे डिटेल में बताया था लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है. सेकंड पॉइंट, ही वाज द फर्स्ट टू गिव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो दो लॉज हैं उनको डिफाइन किया था. जिस तरीके अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि एक लाइट किसी चीज़ से टकराए, कोई भी एक मतलब रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, तो लाइट क्या करे, लाइट टकरा के उस चीज़ से वापस मुड़ जाए, मतलब अपनी एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल ना करे बल्कि वो एक ही मीडियम में रह जाए. ये रिफ्लेक्शन हम आगे और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किए थे और उन्होंने उसके साथ साथ क्या किया था, डिस्क्राइब की थी ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. मतलब उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था, ल्यूमिनियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनकी अपनी खुद की रोशनी हो, जैसे कि सूरज, सूरज की अपनी रोशनी होती है, ठीक है. तो और नॉन ल्यूमिनियस क्या होती हैं, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, लैम्प सेवर बल्ब ये सब क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस. ओपेक का मतलब ये होता है जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने ना दे, जैसे कि क्या होगा, वुड लकड़ी, देखें लकड़ी से लाइट नहीं गुजर सकती. एंड उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दें, जैसे कि ग्लास. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें यह बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें ल्यूमिनियस है, नॉन ल्यूमिनियस, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, ही कंस्ट्रक्टेड अ पिन होल कैमरा. इन्होंने पिन होल कैमरा भी बनाया था. फोर्थ पॉइंट, हिज मास्टरपीस वर्क वॉज द बुक नेम किताबुल मनाजिर. जो इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी जो बहुत मशहूर है, उस किताब का नाम क्या है, किताबुल मनाजिर. द नेक्स्ट वन इज़ याकूब इब्ने इसहाक अल किंदी. इनका पहला पॉइंट ये है, ही वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स एंड एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द स्काई. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑप्टिक्स की फील्ड में काम किया था. ऑप्टिक्स का आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आप कभी भी अपनी आई साइट चेक करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ से हम अपने ग्लासेस बनवाते हैं वहाँ पर ऑप्टिक लिखा होता है या ऑप्टिशियन लिखा होता है. तो जितनी भी जो ग्लासेस का जो भी ये कोई काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वो ऑप्टिक्स में इन्होंने क्या किया था कि जितने भी वो ग्लास का जो काम होता है उस सब की स्टडी इन्होंने की थी, सही है. और साथ में उन्होंने ये भी हमें बताया था कि ये जो स्काई के ऊपर ये जो ब्लू कलर होता है वो किस तरीके से हमें दिखाई देता है, सही. इनका सेकंड पॉइंट क्या है, ही एक्सप्लेन्ड म्यूज़िक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. इन्होंने म्यूज़िक को क्या किया था, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. थर्ड पॉइंट, ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड. इन्होंने क्या किया था, साउंड की नेचर को भी डिस्कस किया था. फोर्थ पॉइंट है, ही रोट मैनी आर्टिकल्स अबाउट मिनरल्स एंड जर्म्स. इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, मिनरल्स मतलब मादनियाँ, जर्म्स मतलब ये जो जरासीम वगैरह होते हैं, तो उन्होंने इन पे भी क्या लिखे थे, बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे. द नेक्स्ट वन इज़ अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी. पहला पॉइंट इनका है, ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस. इन्होंने क्या किया था कि कोई सी भी जगह हो, किसी भी प्लेस का उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड को डिफाइन किया था. सेकंड पॉइंट है, ही डिटरमाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. इन्होंने क्या किया था, अर्थ का हमें सर्कमफेरेंस भी फाइंड करके दिया था, उसको भी डिफाइन किया था. थर्ड पॉइंट, ही ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा. इन्होंने क्या किया कि फिज़िक्स मैथ एस्ट्रोनॉमी और बहुत से मुख्तलिफ सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया था, काम किया है. फोर्थ पॉइंट है, ही रोट किताब कानून उल मसूदी. इन्होंने क्या किया है, एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, किताब कानून उल मसूदी. द नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम. इनका पहला पॉइंट है, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन गर्ड. इन्होंने क्या किया था, इनको इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम गर्ड कहते हैं और उसको हम जी फॉर ग्रैंड, यू यूनिफिकेशन, टी फॉर थ्योरी. तो इनको क्या किया था, इस जो इन्होंने जो गर्ड था, ये जो थ्योरी थी, इस पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. सेकेंड पॉइंट है, ही इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिज़िक्स. इन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है, किसके लिए, जिसमें हम थ्योरेटिकल फिज़िक्स की स्टडी करते हैं. द लास्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान.
पहला पॉइंट है ही वॉज बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़। इनको इनके कारण इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, जिन्होंने काम किए, उसकी वजह से इनको क्या दिया गया, उनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सेकेंड पॉइंट है ही डेवलप्ड न्यूक्लियर वॉर वेपन्स। इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर वॉर वेपन भी डेवलप किए थे, मतलब जो जंगी जो हथियार होते हैं जो न्यूक्लियर जहाँ पर यूज़ होता हो, ठीक है, वो ये हम ये भी हम आगे स्टडी करेंगे अपने चैप्टर नंबर 19 में। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने न्यूक्लियर वॉर वेपन के जो हथियार हैं वो भी इन्होंने डेवलप किए थे। ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। दैट वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1।